किसके उभरते हो युवा? नेपाल के होली खेलने वाले जा रहे हैं, थक गए हैं ये। हेलो दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आप सब लोग एकदम बढ़िया हो गए, एक नंबर हो गए, ठीक ठाक होगा और काफी ठीक ठाक चल रहा होगा। और ठीक नहीं हो तो आप ठीक हो जाओगे। ए, क्या कर रहे हो आप? ये आटा गूंद रहा हूँ। आटा गूंद रहे हो? ऐसे गूंदते हैं आटा? तुमने तो कभी गूंदा नहीं होगा, तो सीख लो ऐसे। इनसे ऑडियंस से बोल रहा हूँ, आपने तो कभी गूंदा नहीं होगा। अरे आपका तो काम ही है यार, इतना बड़ा कर दिया एंकर अपने हाथों की रोटी खिला खिला के। तो भले ही आपके हाथ की रोटी को मैं इतना मतलब टूकता हूँ, उसमें थोड़ा बहुत शान ज्ञान निकालता हूँ, लेकिन माँ के हाथ का खाना सबसे बेस्ट होता है भाई। 5-स्टार होटल क्या 7-स्टार होटल भी फेल होता है। तो भाई आज हम जा रहे हैं यार अपने पड़ोसी मुल्क ग्राम नदन्ना की ओर। आज हमारे मौसी जी के घर में एक कथा की आज पाठ है, तो वहाँ पर मतलब थोड़ा प्रोग्राम है ना, वो दिन का प्रोग्राम है, तो आज हम वहीं पर जा रहे हैं। आज हम पूरी दिनचर्या हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है हमारी दिनचर्या में। वैसे आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि यार मेरा ब्लॉग जो है ना वो काफ़ी लंबा हो जाता है, बिल्कुल राम कहानी की तरह हो जाता है। बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहता हूँ, जो कि यार लॉन्ग टाइम तक बिल्कुल उसमें सेफ रहे और कभी भी मैं उसमें सर्च मार के ना अपनी पुरानी यादों को देख सकूँ। यार मेरे को यार वैसे कोई मतलब नहीं है यार उससे कि मतलब मेरे चैनल की TRP, कहते नहीं है TRP मतलब टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, तो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा एक उद्देश्य ये था कि यार मैं अपनी यादों का संग्रह कर सकूँ, तो उसी के माध्यम से मैं इतने लंबे लंबे ब्लॉग बनाता हूँ। तो आज मैं शॉर्ट ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा, तो यार थोड़ा फ्रेश होते हैं, लेकिन मुझे जल्दी से निकलना पड़ेगा, क्या पता वहाँ पर क्या काम पड़ जाए। काम कर दे तो वो भगवान है यार, मजबूरी के समय तो वहीं पर जाके खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे यार। घर से मैं निकल पड़ा हूँ, दो रोटी खा के आ गया हूँ घर से मैं, ज़्यादा तो नहीं खाई मैंने, ज़्यादा खा ही नहीं पाता हूँ यार, क्योंकि जो पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है ना उसमें यार भोजन थोड़ा देर से वितरित होता है, जब देवी देवताओं को भोग लगता है उसके बाद ही यार होता है उसके बाद। तो खाना ना खा के आ गया हूँ और थोड़ा मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है यार, बुखार आ रहा है, तो मैंने इतने कपड़े लादे हुए हैं देखिए। और आज मौसम भी आया, देखो आज मौसम भी कहते खूंखार हुआ है, आज मौसम बेईमान है, पर यार डोंट वरी, तुम्हारा भाई थोड़ा ईमानदार है, थोड़ा सा ईमानदार है, ज़्यादा ईमानदार नहीं है, क्योंकि यार ज़्यादा ईमानदार होगी ना आजकल दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है यार, लोग ना पत्थर की तरह साइड करके चले जा रहे हैं। तो जैसा कि यार यहाँ से चलते हैं, आप मिलते हैं सीधे आपको नदन्ना में पहुँच कर। देश के उभरते हुए युवा, उभरते हुए सितारे देखिए, हमारे आशीष भाई बजू कहानी सिलेक्शन। तो देखो यार मैं तो अब आ रहा हूँ, भाई लोग अपना काम धाम कर रहे हैं और ये मेरा मौसी घर देखिए आप, और यहीं पर आज कार्यक्रम प्रोग्राम। हमारे बुआ जी अभी रिश्तेदार आए नहीं हुए हैं, अभी थोड़ी देर आएंगे। अब आप बच्चे की खुशी चाह रहे हैं? अब भाई सही है। तो ये हो रहा है यहाँ पे कन्या पूजन, कथा संपूर्ण हो गई है। खाओ हाँ बाबू खाओ। तो भाई खाना खाने की तैयारी हो रही है और मेरे हाथ में देखिए ये क्या है, सही बात, खाना खाने के लिए बैठ गए सभी लोग। काम करो, हाँ मैं काम करने जा रहा हूँ। यहाँ पे भी खाना खाने के लिए बैठ गए हैं सारे के सारे लोग। A few moments later. स्टेडियम बिल्कुल भरा
साथ भर चुका है खचा खच, 10-20 लाख यहाँ पर दर्शक आ गए हैं। पैर रखने की भी जगह नहीं है। और देखो आसमान को छूता हुआ ठुमका। छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो। हमारे बीच यहाँ पर आज बहुत ही दिनों के बाद मैंने नेपाल की होली देखी। नेपाल से यहाँ पर होली खेलने के लिए आए हैं और ये इंडिया की है, नेपाल का मत समझना। हालांकि इन्होंने कल्चरल ड्रेस पहनी हुई है जो कि हमारे थारू जनजाति समाज में पहनी जाती है। तो आज भी नेपाल में देखा जाए तो अपने समाज को, रीति रिवाजों को वहाँ पर नहीं भूला हुआ है। देखिए खाना ना खा रहे हैं, शर्माना मत एक भी। तो कुछ आप कहना चाहोगे? हाँ, बड़ा मजा आया होली देख के। अच्छा, और होली खेल के भी अभी और चलेगी होली, आ जाना गाइस। या तो अच्छे से खाना सरमाना अरमान पे, और दाल लेके आओ मैडम जी के लिए। तो अब तो मतलब थोड़ी भीड़ ना थोड़ी कम हो गई है, अभी थोड़ा ये लोग रेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। तो आप बने रहिए ब्लॉक के साथ। तो भैया आप नेपाल के होली खेलने वाले जा रहे हैं, थक गए हैं ये होली खेलते खेलते। प्रोग्राम यहाँ पर निपट चुका है। तो जो बाहर की होली आई थी ना, अंतर्राष्ट्रीय होली, नेपाल की होली, वो चली गई है। अब अगले साल वो होली हमें देखने को मिलेगी। तो ये हमारे साथ अमित भाई आए हैं। यार ये जॉब वॉब करते हैं, मतलब ऐसा था ना कि इनकी नाइट शिफ्ट चल रही थी तो यार ये आ नहीं पाया यार। अब अभी तो नाइट शिफ्ट चल रही है। हाँ, तो कैसा लगता है देखना? अपने यहाँ सगी नानी के घर में यार, मतलब ऐसा प्रोग्राम हुआ और इतने साल बाद तो होता है कुछ ना कुछ प्रोग्राम, और यार अभी ये फिनिश हो गया है। अबे यार अगले साल भी देखते, कोई नहीं, मिस हो गया, कोई नहीं, मैं करने वाला हूँ प्रोग्राम। अच्छा, तुम करने वाले थे यार प्रोग्राम, मेरे से बोल रहे थे यार होगा होगा। अरे भी कुछ नहीं यार। ठीक है, तो गाइस आज की लोग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जैसा कि हम अपने घर पहुंच गए हैं, घर में सभी देखो वहां पर बैठे हुए हैं और सभी के चेहरे मतलब ऐसे उतरे हुए हैं ना कि बहुत ज्यादा थकाई लग गई हो। और ये कहाँ बताइए? जाऊंगा।